सो गाइस, आज की वीडियो में रिव्यू है हमारे पास i9 यानी कि ईगेट i9 प्रो प्रोजेक्टर के बारे में। ऑन डिमांड ये वीडियो है। हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर एक वीडियो लेकर आइए किसी अच्छे प्रोजेक्टर के बारे में जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, साथ ही साथ एक बजट फ्रेंडली प्रोजेक्टर हो। तो आज का जो वीडियो है एक ऐसे ही प्रोजेक्टर के बारे में है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अमेजोन पर वो अवेलेबल है, आपको किसी भी अदर साइट से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सर्विस की। इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है, साथ ही साथ इसका जो लैंप है उस पर आपको वारंटी, वैसे ऑल ओवर 2 साल की है पर लैंप की जो लाइफ है वो आपको यहाँ मिल जाती है 30,000 घंटे। आप सभी को पता है प्रोजेक्टर की लाइफ इसके लैंप के ऊपर होती है। इसमें आपको 30,000 घंटे की लाइफ मिल जाती है। आई थिंक 3 साल से प्लस ये प्रोजेक्टर चलेगा, जब तक आपके पैसे अच्छे खासे वसूल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सर्विस सेंटर की। इसमें आपको 1800+ सर्विस सेंटर मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया में, आप कहीं पर भी सर्विस करवा सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें, इसमें आपको 1 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 1 मिलता है VGA पोर्ट ऑडियो आउट वाला पोर्ट, और साथ ही साथ SD कार्ड सपोर्ट करता है। उसके लिए आपको एक अलग से स्लॉट मिल जाएगा जिसमें आप मेमोरी कार्ड लगाकर डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छे खासे मूवीज़ का मजा ले सकते हैं। रिमोट कंट्रोल से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों साइड में आपको सेंसर मिलता है फ्रंट और बैक साइड में, जिससे कि कंट्रोल करने में बिल्कुल ही ईजी आप सभी के लिए रहने वाला है। अब इसके लैंप के बारे में बात करें तो कि लैंप की लाइट कैसी है। इसकी जो लैंप है वो है 2100 लूमेन का लैंप है, जिसका आउटपुट बहुत ही शानदार है। ये HD प्रोजेक्टर है पर इसमें आपको फुल HD वीडियो सपोर्टिव मिल जाता है, आप फुल HD वीडियो चला सकते हैं इस प्रोजेक्टर में। बाकी इसका रेजुलेशन, जो एक्चुअल रेजुलेशन है वो आपको यहाँ पर HD ही मिलता है। 720 पिक्सल का रेजुलेशन मिलता है, सपोर्ट करता है 1080p पर, यह आपको मैं क्लियरली बता दूँ। प्राइस की बात करें तो 7,000 की प्राइस रेंज में आता है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं अच्छे से। अब बात कर लेते हैं इसके आप कैसे इसको चला सकते हैं, यानी कि आपको कितना डिस्टेंस रखना होगा। इसका जो आउटपुट है वो यहां पर 45 इंच से लेकर 120 इंच तक आपको यहां पर आउटपुट मिल जाता है। आपको डिस्टेंस जो रखना पड़ेगा उस प्रोजेक्टर का वो है लगभग 5 फीट तक आपको दूर रखना पड़ेगा दीवार से या फिर किसी भी पर्दे से, जिससे कि आपका अच्छा आउटपुट बाहर निकल के आए और अच्छे कलर आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल जाए। कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करें, इसमें आपको मिल जाता है 1000:1 का इसमें जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है और इमेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो आपको यहाँ मिल जाता है 1500:1 का इमेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो। एक अच्छा प्रोजेक्टर हम बोल सकते हैं। आप यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी क्वालिटी और भी अच्छी निखर के आएगी। आप वहाँ सेचुरेशन वगैरह, कलर सेटिंग्स वगैरह ऑल आपको एक्सेस मिल जाता है, जिससे कि आप पिक्चर क्वालिटी को और भी बेहतर कर सकते हैं। आपका रूम का जो क्लाइमेट है, किस टाइप की लाइट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है। कि बिल्कुल अंधेरा होगा और बिल्कुल शार्प कोई आगे पर्दा लगा हुआ है जो लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है पर ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आपको वहाँ पर अच्छा आउटपुट दिखेगा। यानी कि पतला पर्दा हुआ, पतला कपड़ा हुआ, अगर ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो लाइट अच्छे से निखर के नहीं आएगी और अच्छा आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप एक मोटा सा पर्दा लीजिए या फिर दीवार पर अच्छा वाइट कलर करवा दीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर देख सकते हैं उस प्रोजेक्टर का आउटपुट। ये छोटा सा प्रोजेक्टर था और छोटा सा रिव्यू था इस प्रोजेक्टर के बारे में। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आप सभी के लिए हम लेकर आते रहेंगे और ऐसे ही आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।